मानव और तेंदुए के बीच टकराव को रोकने के लिए वन मंडल देहरा द्वारा सर्वेक्षण व उपायों के बारे में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में इन दिनों तेंदुए द्वारा आवासीय स्थानों पर प्राय आ जाना तथा पालतू पशुओं व लोगों के ऊपर हमले करना आम बात हो गई है। डीएफओ देहरा हरजीत सिंह मनकोटिया ने बताया कि इस टकराव का मुख्य कारण तेंदुए के जंगल में भोजन के लिए जंगली जानवरों की कमी व आश्रय को अनुकूल परिस्थितियों का न होना है। इस टकराव को रोकने के लिए परिस्थितियों में सुधार लाना आवश्यक है। इस कार्यशाला में देहरा वन मंडल के सभी क्षेत्रीय कर्मचारियों ने भाग लिया। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं कि लेपर्ड जो है गांव में आके जो है वो नुकसान कर रहा है। ये जो वर्कशॉप हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो इसी विषय में ये जानने के लिए कि देहरा फॉरेस्ट डिवीज़न में लेपर्ड्स की लगभग एस्टिमेटेड संख्या कितनी है और क्या जो जिन पे जो फूड चेन है लेपर्ड के लिए वो जानवर जो हैं वो सफिशिएंट मात्रा में जंगल में हैं या नहीं, ये हमारी लगभग 3 दिन की एक्सरसाइज है जिसका आज ये पहला दिन है जिसमें पूरे स्टाफ को सेंसिटाइज किया जा रहा है इस बारे में, क्योंकि इस बारे में सारी जानकारी जो है वो इकट्ठी करेगा जो कि आगे चल करके ये जो लेपर्ड और ह्यूमन का जो कन्फ्लिक्ट है उसको कम करने के लिए जो है सहायक। ये जो मैन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट्स है ये एक चिंता का विषय है और हमारा ये जो अभी पिछले हाल में कुछ महीनों में हमने ये ऑब्जर्व किया है कि इनकी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। शायद ये लेपर्ड की पॉपुलेशन का ज़्यादा होना कुछ लोग ऐसा मानते हैं और हम ये भी समझ सकते हैं कि शायद लेपर्ड्स का जो प्रे बेस है जंगलों में उसकी कमी होना, इसकी वजह से लेपर्ड शायद आबादियों की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं। और क्योंकि ये एक देहरा एरिया जो है इस दृष्टि से काफ़ी संवेदनशील एरिया है और हमने यहाँ पर एक शुरुआत करी और डीएफओ देहरा ने इसको इनिशिएटिव लिया इसमें कि हम इस ऑब्जेक्टिव के साथ काम करें कि हम बेटर वे में इसको लेपर्ड्स को मैनेज कर सकें। और इसके तहत जो है हम सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे एरिया में इसकी एस्टिमेटेड पॉपुलेशन कितनी है लेपर्ड की, और साथ ही जो प्रे बेस है जिनके ऊपर इन्होंने अपने जो खाने के लिए आश्रित है वो उनकी क्या स्थिति है।